आम सहित अच्छा पद्मश्री सम्मानित होगापर आदित्य प्रसाद सीधा सड़क तक सहित आलोचना करवा सर कंग्रेचुलेसन मो पूरा परिवार तरफ़ शुभेच्छा जनाऊँ सर कौन प्रतिक्रिया रखिए एत बड़ सम्मान मिली अलरेडी आम पूर्व आप प्रतिक्रिया नहीं चु कौन प्रतिक्रिया रखिए देखु आम हूँ मुझे जन वैज्ञानिक जीवन सारा गवेषणारत गवेषण करोलोजी हूँ मोर सब्जेक्ट जीव विज्ञान बायोलोजी मोर सब्जेक्ट मोर गवेषणा आरंभ है वेक्टर बोर्न और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज उपरे जो रोग गुड़िक जो सतरटी रोग अच्छी जो वेक्टर बोर्न और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बोली कहती यही रोग गुड़िक आमर ट्रॉपिकल कंट्रीज देखा जाए आउ मोस्ट मार्जिनलाइज अनप्रिविलेज कम्युनिटी के अफेक्ट करे तारी उपरे आम गवेषण कर बहुत सन्दर्भ आम प्रकाश करते वर्षर परिश्रम पर सरकार बर्तमान आम से परिश्रम को चिन्हिकी आटलिस्ट आमको योग्य बेचित कले पुरस्कार लगे आम योग्य से लगे सरकार जथेष कृतज्ञ सर ये बयस ये जो सम्मान आपन को केते मोटिवेट कर केते प्रोत्साहन जोगेब केते शक्ति जोगेब आउरी काम कर बहुत भल प्रश्न पचारे मुझे कहली गवेषणा गवेषणा लगे कौन सी बयस न था मनुष्य मृत्यु पर्यंत गवेषणा कर चली था एणु ये जोटा मिलला ये थे मुझे आउ गवेषण करो जो एरिया मुझे काम करुच्ची जो बायोलोजी जो काम करुच्ची डिजीज बायोलोजी काम करुच्चारा जथेष समाज को कि उपकार हे से भाया प्रडक्ट आम डेभलप कर प्रत्येक गवेषणात्मक प्रबंध ताक ट्रांसलेट हो सोसाइटल बेनिफिट लगे एणु से विषय में पॉलिसी मैटर में कमी आउ गवेषण करेसी करी चेस्टा कर निश्चित भाव चेस्टा कर सर विदेश काम करा गोटे सर एमती एरिया जोटि कि ट्राइबाल अच्छा अनेक गुड़े रिमोट एरिया अच्छी एवं भी अनेक से आवेरने पहुँचनी आम देखीचु जिते जापानीज एनसेफालाइटिस आसाला मलकानगि कौन अवस्था होता है तो सेना सर कौन मेसेज रोकर कमी कम कर ओडिशा को गोटे कथा मुझे कहबी ओडिशार जो गुड़ा जिन आप कहले मलकानगि जो जापानीज एनसेफालाइटिस होता से समय हुए तो जापानीज एनसेफालाइटिस लगे कौन सी प्रकार माने तार सर्विलांस प्रॉपर्ली हो नाला किंतु ओडिशार जब आप देखिए मलेरिया निराकरण प्रोग्राम से जथेष कौन तक कह सुफल जथेष सक्सेसफुल ओडिशा होते उदाहरण मुझे देवी मुझे जिते मेले गवेषण करुँ आप जानते गोटे रीजनाल मेडिकल रिसर्च सेंटर अच्छी भुवनेश्वर से सही साइंटिस्ट है आरंभ कली जब से आरंभ है इंदिरा गांधी शुभ देते जो आरंभ है से प्रथम फाउंडिंग साइंटिस्ट थी मुझे उठिक आसे से जो मेले काम करूँ जिते आप मेले गोटे प्रकार भाषण देखने कौट जाऊ मु प्रथम कौन कह जानते उसेंट उराउंड 3% अफ इंडिया पपुलेसन ओडिशा कंट्रीब्यूट्स टू 40% अफ मलेरिया केसेस एंड 30% अफ मलेरिया डेथ्स आज से स्टेटमेंट मुझे कहीं आते मलेरिया ना ओडिशा एत डेथ भी होनी कहीं होनी ना बहुत दिन तले आप जानते मैंने आप जानते हैं जानी 2008 मसीह आमर विश्व स्वास्थ्य संगठन जड़े आंचलिक निर्देशक डॉक्टर सामली प्लान बैंक चांग मुझे से आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट मलेरिया रिसर्च दिल्लीर डायरेक्टर थी से आम डायरेक्टर जनरल को फोन करी कले जो ओडिशा विजिट करा चाहूँगी से डायरेक्टर जेनेल मत कहे मुझे ओडिया कले तुम जीवे कौन बंदोबस्त कर मुझे गली ओडिशा जिते से विश्व स्वास्थ्य संगठन निर्देशक नहीं ओडिशा को गली सी देखा कले सेक्रेटरी हेल्थ आमर चिन्मय बसु थे सेक्रेटरी मो जमान पड़ी चीफ सेक्रेटरी थे अजित त्रिपाठी हेल्थ मिनिस्टर किए थोड़ा मन मोर मन ना चीफ मिनिस्टर ये थे समस्त सी देखा कले समस्त देखा कला बेल मेलेरिया इमती उत्पात करुता से ओडिशा समस्ते मेलेरिया विषय कले या कि आपको कंट्रोल करते से दिलीप ए डब्ल्यूएचओ फेरीगले फेरीगला सब आमको डाक मीट कले कौन करवा आम कहे प्रथमत ओडिशार प्रोब्लेमटा कौन मेलेरिया कहीं कंट्रोल हो पार नहीं गोटे एक्सपर्ट कनसल्टेसन करकमेंडेसन ए इम्प्लीमेंटेसन कर 2008 से आम कलु तार केते वर्ष गड़गला परे जड़े आपणकर डाक्टर अच्छे डॉक्टर मदन प्रधान सी कौटी अच्छा मुझे जानी सी प्रोग्राम ऑफिसर जो होसिले से मीटिंग अटेंड करते सी सब इम्प्लीमेंट कले इम्प्लीमेंट कलापर तार ना दे दामन प्रोजेक्ट दुर्गम अंचल मलेरिया मलेरिया नियंत्रण समथिंग लाइक दैट दामन प्रोजेक्ट ना दे ताकू इम्प्लीमेंट कला परे आपन देखुन मेलेरिया केते कमी जाई जोड़ी सके।
ଆୱାରନେସ୍ ଆହୁରି ସାର୍ ହେବା କହୁଛି କହୁଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ କମିଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଡେଙ୍ଗୁ କୁହନ୍ତୁ, ଚିକୁନଗୁନିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଡିଜିଜେସ୍, ଅନ୍ପ୍ରେଡିକ୍ଟ। ଆପଣ ଏଇ କମିଯାଇଛି, ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ବସିଛ। ଆମର ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ କମିଯାଇଥିଲା 1960ରେ, ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଥ୍ କିଛି ନଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଥିଲା, ପୁଣି ମ୍ୟାଲେରିଆ କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କେମିତି କଲା। ସୋ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଡିଜିଜ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍। ଆଜି ନାହିଁ, କାଲି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସୁଟ୍ଟା ସଟ୍କି ରାଇଜ୍ କରିବ। ସୋ ୟୁ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି କମ୍ପ୍ରେସନ୍। ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଆମର ସଚେତନତା ନିହାତି ଦରକାର। ସଚେତନତା ଯଦି ଆପଣ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଜିନିଷରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେପୋର୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟାଲ୍ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ, ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟାଲ୍ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାମାରୀ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19 ହେଇଛି, ଏଇଥିରେ ବି ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଅଛି, ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟାଲ୍ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟଟା କେତେ ଦୂର ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆପଣମାନେ ବେଟର୍ କହିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଲା। ସୋ ଏସବୁ ତିନିଟା ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିକି ଭାରତ ସରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କଲେ କ'ଣ ସାର୍? ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି, ମୋର ଏତେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରିଶ୍ରମ, ମୁଁ ତ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ମୋତେ କିଏ ନୋମିନେଟ୍ କରିଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କିଏ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ନାଁ ଜାଣିଥିଲା କେମିତି ପାଇଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବି କେମିତି ନୋମିନେଟ୍ ହେଲା, କେହି ମୋର ବାୟୋଡାଟା ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ସୋ ଯାହା ହଉ, ଯେ ସରକାର ଏଟାକୁ ଚିହ୍ନିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଦିନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ବିଗତ ଦିନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ସେ ଆମ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ନିରଜ ସେଦଗର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।